अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, डेली फूड एंड केक रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर का हाफ के जी का केक। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप वेनिला प्रीमिक्स। तो ये 200 ग्राम प्रीमिक्स लिया है मैंने। अब इस प्रीमिक्स में डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल और डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप मैंगो एसेंस। इसमें कलर भी है और फ्लेवर भी है। और डाल देंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर बना लेंगे हम। इसे अच्छे से फेंटना है। इसका बैटर अच्छे से स्मूथ होना चाहिए, तभी हमारी केक अच्छे से फूल कर आएगी और जालीदार बनेगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 kg का टिन, तो इसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम बैटर डाल देंगे। तो देखिए, बैटर इस तरह से होना चाहिए और इसे 3 से 4 बार टैप कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पतीला प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, उसमें प्लेट रखी थी। अब इसे में हम डाल देंगे ये टिन और इसे ढक कर रख देंगे 20 से 25 मिनट। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं केक बनी है कि नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से फूल कर आई है केक। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनी है। अब ये केक ठंडी हो गई है, इसे हम टिन से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से निकल आया है। देखिए बिना बटर पेपर के बनाया था, फिर भी अच्छे से निकल आया है। और इसके ऊपर देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट भी बने हैं। और इसके ऊपर जो क्रैक्स गया है, इसे हम कट कर लेंगे ऊपर की साइड। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे, निकाल लेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा और इसे 3 लेयर में हम कट कर लेंगे फिर से। तो ये देखिए कितना जालीदार केक बना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। बैटर को हमें अच्छे से बनाना है, तभी इसी तरह से जाली आएगी केक में और सॉफ्ट भी बनेगा। और ये देखिए किसी भी तरह के कोई क्रम्स निकल नहीं रहे हैं इसमें, अच्छे से बेक भी हुआ है। देखिए कितने अच्छे से जाली आ गई है इसमें। अब केक बोर्ड पर हम लगा लेंगे क्रीम और फर्स्ट लेयर रख लेंगे और शुगर सिरप से हम इसे सोक कर लेंगे। अब डाल देंगे क्रीम और इसे प्लेन कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से प्लेन कर लेंगे और इस पर डाल देंगे हम मैंगो क्रश। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये बोतल ली है। आप कोई भी ब्रांड का मैंगो क्रश इस्तेमाल कर सकते हो। इसे प्लेन कर लेंगे और रख देंगे दूसरी लेयर। इसे भी शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। फिर से क्रीम लगा लेंगे, दोबारा से इसे प्लेन कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी लेयर साइड में हो गई थी, इसलिए मैंने फिर से दोबारा से एक के ऊपर एक लगा दी है। अब देखिए अच्छे से प्लेन कर लेना है हमें केक को। फिर से डाल देंगे मैंगो क्रश। इसी तरह से हम तीनों लेयर एक के ऊपर एक लगा लेंगे।
देखिए तीसरी लेयर ले ली है मैंने यहाँ पर। फिर से शुगर सिरप से हम सोक कर लेंगे। केक आपके अगर सॉफ्ट बने हैं तो शुगर सिरप आप ज़्यादा मत लगाना, उससे ज़्यादा केक गीली हो जाती है। अगर आपका केक ड्राई है तो ही शुगर सिरप का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है यहाँ पर। तो देखिए क्रीम से मैंने कवर कर लिया है, अब लगा लेंगे साइड में। देखिए इस तरह से साइड में भी क्रीम लगा लेंगे हम। आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई केक के क्रम्स निकले नहीं है, क्योंकि केक हमारी अच्छे से बनी थी, बेक हुई थी अच्छे से, इसलिए। तो इसी तरह से हमें बैटर बनाकर केक को बेक करना है अच्छे से। देखिए फाइनल फिनिशिंग के लिए हमें अच्छे से कवर कर लेना है क्रीम से केक को। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लेन स्क्रैपर लिया है, इससे हम पूरे केक को प्लेन कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से प्लेन हो गया है साइड में केक, और ऊपर वाला जो हिस्सा है, साइड है ऊपर वाली, उसे भी प्लेन कर लेंगे अच्छे से। फिनिशिंग केक की अच्छी होनी चाहिए तभी केक हमारी अच्छी लगेगी। और हम फिनिशिंग अच्छी देंगे केक को तभी हमारे कस्टमर दोबारा से केक लेने के लिए आएंगे। तो देखिए कितने अच्छे से प्लेन हो गया है केक, और इसे हम क्लीन कर लेंगे केक बोर्ड को। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लेन स्क्रैपर पर 4 से 5 ड्रॉप ले लिए हैं येलो कलर के, और इसी तरह से ये देखिए प्लेन स्क्रैपर हम साइड में बस ऐसे फिराएंगे, प्लेन करते जाएंगे अपने आप ही। ये देखिए कितने अच्छे से कलर उसके ऊपर लग रहा है केक के ऊपर, इतने अच्छे से शेड आया है कलर का। देखिए कैसे लाइन आ रही है इसमें। यहाँ पर थोड़ा कलर कम लगा था इसलिए मैंने दोबारा से ले लिया है। ये देखिए फिर से मैं इसी तरह से घुमा रही हूँ प्लेन स्क्रैपर को। देखिए कितने अच्छे से कलर आया है केक में, बिल्कुल परफेक्ट मैंगो कलर आया है उसमें। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर येलो नहीं ऑरेंज कलर लिया था। तो ये देखिए ऑरेंज कलर लिया है मैंने, परफेक्ट अपना मैंगो कलर आया है इसमें। देखिए कितने अच्छे से शेड आया है कलर का। अब देखिए इसके ऊपर मैंने येलो कलर में न्यूट्रल जेल में येलो कलर मिक्स किया है। ये देखिए इसके लाइन दे देंगे हम राउंड शेप में। तो अब देखिए मैंने पिंक कलर मिला लिया था न्यूट्रल जेल में, उसी से भी हम इसी तरह से राउंड शेप में देखिए ऐसे लाइन मार लेंगे राउंड शेप में। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर टूथपिक ली है, इसी से देखिए इस तरह से बस हमें लाइन खींचते जानी है और इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। अब मैंने यहाँ पर एक स्टैंड लिया है जिससे हम रोज़ बनाते हैं जिसके ऊपर, और एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिया है और उसमें येलो कलर मिक्स कर लिया है, और इसमें हम जो फूल बनाते हैं रोज़ बनाते हैं उसी का नोज़ल लिया है मैंने। ये देखिए उसी से हम इस तरह से रोज़ बना लेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, शेड भी कितने अच्छे से आया है कलर का। बस एक साइड येलो कलर लगा लेना है हमें पाइपिंग बैग में।
तो रोस्ट तैयार है अपना, हम केक के ऊपर रख देंगे। दूसरा भी बना लेंगे। देखिए इस तरह से इसका बेस बना लेना है पहले, और फिर बाद में इस तरह से फूल बना लेना है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितने अच्छे से बना है केक पर। ये भी फूल हम इसके ऊपर रख देंगे और एक बना लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बना है। अब साइड में इसकी बॉर्डर दे देंगे। ये देखिए इसी पाइपिंग बैग में जो हमने नोजल लिया है उसी से देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। बस हाथों को शेक करते हुए इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है। देखिए कितने अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन आया है। तो आपको आज का ये मेरा केक कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।